remember we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat. Assalamu alaikum. कैसे मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होगी। आज एक नया दिन और एक नया व्लॉग, और आज के व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है तकरीबन सुबह के 11:30 बजे से। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। एक्चुअली मुझे लेने थे अपने लिए शूज़, मुझे जॉगर्स चाहिए थे क्योंकि मैं वॉक करती हूँ, और अभी तक जो है वो मैं घर के स्लीपर्स में वॉक कर रही थी, और हस्बैंड से ऑलमोस्ट रोज़ ही मुझे डांट पड़ती थी कि आप जो है वो जाके जॉगर्स क्यों नहीं ले रही, लेकिन मैं अभी तक अवॉइड कर रही थी उसको। और मैंने सोचा कि आज जो है मैं जॉगर्स ले लेती हूँ, बिकॉज़ इस्लामाबाद में जो है वो अच्छी खासी सर्दी हो गई है, तो एक तो सर्दी भी बहुत लगती है स्लीपर्स में, और सेकेंडली ये कि स्किन भी बहुत ख़राब हो जाती है। ज़ाहिर है काफ़ी इंटेंस हो गया अभी मौसम, तो पाँव जो हैं वो एक्सपोज होते हैं ठंडी हवा से, तो फिर हील्स भी फट रही थी और उसके अलावा वैसे भी बहुत ड्राई हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब टाइम आ गया कि जॉगर्स ले लिए जाएं। तो बस अभी मैं जा रही हूँ लेने के लिए जॉगर्स, और मैं जो ना कोई फैंसी किस्म के जॉगर्स नहीं देख रही, कोई स्टाइलिश मुझे नहीं चाहिए स्निकर्स टाइप, मुझे बहुत ही कम्फर्टेबल और प्रैक्टिकल से जॉगर्स चाहिए, और कंफर्ट जो है ना वो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी, क्योंकि आई थिंक मैंने पहले भी किसी ब्लॉग में शेयर किया था कि मुझे पाँव में काफ़ी पेन रहता है, ऑल्दो जब से मैंने वॉक करना स्टार्ट किया है तो काफ़ी कम हो गया, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है मुझे पेन, तो इस वजह से मुझे बहुत ही कंफर्टेबल और लाइट वेट से जॉगर्स चाहिए। तो बस अभी मैं जाऊँगी और जाके मैं अपने लिए लूँगी जॉगर्स, और इंशाल्लाह फिर आपको जो है ना मैं ब्लॉग के एंड पर दिखाऊँगी कि मैंने कौन से जॉगर्स लिए हैं। तो सबसे पहले तो हम गए थे बाटा पर, और बाटा में मुझे जो है वो कोई इतने ख़ास पसंद नहीं आए, जॉगर्स काफ़ी बल्की थे और थोड़े हैवी भी थे, मतलब वो कंफर्ट लेवल नहीं था जो मुझे चाहिए था। तो फिर बाटा के बाद हम चले गए थे सर्विस पर, और सर्विस का एक सब ब्रांड है इंडियोर, वहाँ से मुझे जो है वो काफ़ी अच्छे लगे जॉगर्स, और काफ़ी कंफर्टेबल भी थे, प्राइसेस भी काफ़ी रीज़नेबल थी, तो फिर वहाँ से जो है मैंने एक पेयर ले लिया था, और इन दोनों में से जो है मैंने एक पेयर लिया है, वो मैं आपको एंड पे दिखाऊँगी। फ़िलहाल अगर आप गेस कर सकते हैं तो कॉमेंट्स में गेस करके बताएँ कि मैंने कौन से लिए होंगे। तो खैर जॉगर्स ले लिए थे, और उसके बाद हम आ गए थे घर। हम घर पहुंचे थे तकरीबन 1:30 बजे, और हस्बैंड को काफ़ी भूख लग रही थी, तो मेरे पास फ्रिज में लेफ़्ट ओवर मटन बिरयानी थी, वो उनको मैंने माइक्रोवेव करके दे दी थी, और यहाँ पर अपने लिए मैं बना रही हूँ लंच, और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ओमैड, और आई एम श्योर काफ़ी सारे लोगों को इसका पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता देती हूँ कि ओमैड स्टैंड्स फॉर वन मील अ डे, और ये डाइट नहीं है, इट्स बेसिकली लाइफस्टाइल। इसमें आप जो है वो पूरे दिन में एक मील लेते हो, और बाकी सारा दिन जो है वो आप समझ लें फास्टिंग करते हैं, तो 24 घंटे में से 23 घंटे आप फास्टिंग करते हैं, और एक घंटे के अंदर अंदर आप जो भी आपने खाना है वो आप खा सकते हो। और आपने जो है वो एक बड़ा सा मील लेना होता है, और उसको एक घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेना होता है। इट डज़न्ट मीन कि आप जो है वो पूरे दिन में जैसे 3 मील खाते हो तो उतनी क्वांटिटी जो है वो आप एक मील में लोगे, पॉसिबल ही नहीं होता, लेकिन यह है कि आप जो है वो पेट भर के खा सकते हैं, एंड यू कैन प्रिटी मच ईट वट एवर यू वॉन्ट टू ईट। इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने जो है ये खाना है और ये नहीं खाना, आप जो है वो जो भी आपका दिल चाहे आप खा सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि जंक फूड और डीप फ्राइड फूड को अवॉइड करें, वरना जो है डिफीट्स द पर्पज़, कोई पर्पज़ ही नहीं है, मतलब आप अगर जंक फूड खा रहे हैं और डीप फ्राइड फूड ले रहे हैं, या बहुत एक्सेस आप शुगर ले रहे हैं, तो फिर वो मतलब वो बात नहीं रहती। तो ओमैड में आप बहुत आराम से जो आपके घर में डेली खाना बनता है वो आप खा सकते हैं, और अच्छी क्वांटिटी में खा सकते हैं, मतलब रोटी, सालन, राइस, जो भी आपके घर में बनते हैं रेगुलर ऑयल में, वो सब कुछ आप ले सकते हैं, इवन कि आप जो है वो 1 टीस्पून शुगर भी ले सकते हैं अगर आप चाय में लेना चाहते हैं, या वैसे कोई डिज़र्ट लेना चाहते हैं।
उसके भी एक दो टीस्पून्स जो है वो आप बिल्कुल खा सकते हैं उमैड में। तो आज मेरा फर्स्ट डे है उमैड का, और अपने लिए जो है मैं बना रही हूँ, एक तो मैं अपने लिए एक सालन बना रही हूँ चिकन का विद बॉइल्ड एग्स, और इसके अलावा मैं रोटी भी बनाऊँगी और फ्रूट्स की एक सर्विंग भी होगी। और इसके अलावा जो है मेरा बहुत दिल चाह रहा था दही फुल्की खाने का, तो मैं वो भी बनाऊँगी। तो आई ट्राई कि मैं एक बहुत ही अच्छा सा होलसम और बैलेंस्ड मील लूँ जिसमें सारे फूड ग्रुप्स इंक्लूडेड हों और उससे मुझे अच्छी न्यूट्रिशन भी मिले और उसके अलावा उसका टेस्ट भी अच्छा हो। क्योंकि आजकल जब से ये सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है खाने की, और मेरा बहुत दिल चाहता है मतलब मज़े मज़े की चीज़ें खाने को, स्वीट भी और सेवरी भी। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते होंगे इससे, चाहे वो डाइट करें या नहीं करें। सर्दियों में जो है वो बहुत दिल चाहता है और भूख भी लगती है अच्छी, और उसके अलावा जो ना क्रेविंग भी होती है मज़े मज़े की चीज़ों की, बारबेक्यू, हलवे और इस तरह की सारी चीज़ें। तो मैट स्टार्ट करने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि ताकि मेरी जो क्रेविंग्स हैं वो सेटिस्फाई हो सकें और मैं जो ना डिप्राइव फील ना करूं। बिकॉज़ इससे पहले मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी 16:8 वाली, तो उसमें जो है मैं ज़रा मतलब काफ़ी ख्याल से खा रही थी कि मैं मीठा बिल्कुल ना लूं, और अगर जो है ऑयल भी मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही थी। उसके अलावा बस आई वॉज़ ट्राइंग के कोई अनहेल्दी चीज़ मेरे अंदर ना जाए। लेकिन अब सर्दियों में जो है ना, जैसे मतलब ये थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है ना, तो मेरी क्रेविंग्स काफ़ी इंक्रीज़ हो गई हैं, और अभी मुझे मुश्किल लग रहा था कंटिन्यू करना इंटरमिटेंट फास्टिंग को, तो फिर मैं अब स्विच कर गई हूँ उमैड पर, और होपफुली इससे जो है वो सारी क्रेविंग्स भी सेटिस्फाई हो जाएंगी। और डाइट की डाइट है, और ये है कि इंशाल्लाह होपफुली सर्दियों में वेट भी नहीं बढ़ेगा, बिकॉज़ मेरा तो बहुत वेट बढ़ जाता है सर्दियों में। क्योंकि एक तो आपकी एक्टिविटी कम हो जाती है, मतलब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, सेकेंडली जब इतनी ज़्यादा आपको क्रेविंग होती है तो फिर आप खाना भी खाते हो, तो उस वजह से भी वेट गेन हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है उमैड पर शिफ्ट होने की। और यहाँ पर ना मैं बोल्ड रेड फॉन्ट में एक डिस्क्लेमर इंसर्ट कर रही हूँ। एक्चुअली ये मुझे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई थी, तो अभी कर देती हूँ कि मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन नहीं हूँ, और ये सब कुछ मैं अपने ओन पे कर रही हूँ। मैंने इसके बारे में अच्छी रिसर्च की है, और यूट्यूब पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया उमैड के बारे में, तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया है। और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ अच्छे से इसके बारे में पढ़ लें, रिसर्च कर लें, उसके बाद इसको स्टार्ट करें। अपने रिस्क पर उमैड को करें, मेरे फुटस्टेप्स को बिल्कुल भी फॉलो ना करें। और अगर आप 23 घंटे भूखा रह सकते हैं तो फिर वेल एंड गुड, आप स्टार्ट करें और एक दो दिन करके देखें। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो फिर आप इसको कंटिन्यू रखें। तो अब मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया था। एक तो मैंने बनाया था चिकन और अंडों का सालन, तो इसके लिए जो है मैंने तकरीबन 250 ग्राम्स के जितनी बोनलेस चिकन ले ली थी, और इसको मैंने जो है नॉर्मल ऑयल में थोड़ा सा फ्राई किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ, और उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिए थे टमाटर, और मसालों में मैंने उसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर और कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी ऐड की थी। आप अपनी पसंद के कोई भी स्पाइसेस जो हैं वो डाल सकते हैं। और चिकन जब मेरी अच्छे से फ्राई हो गई तो उसमें मैंने ऐड कर दिए थे 2 बॉइल्ड एग्स, और बस उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसको मिक्स किया था, और उसके बाद गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया था, थोड़ी सी हरी मिर्चें। तो ये मेरा बहुत ही मज़े का प्रोटीन रिच सालन जो है रेडी हो गया था। मुझे बॉइल्ड एग्स खाना इतना अच्छा नहीं लगता, बहुत ब्लैंड लगते हैं मुझे, तो इस तरह से फिर मैंने उनको चिकन में ऐड कर लिया था, और इससे मुझे जो है मेरा रिक्वायर्ड प्रोटीन भी मिल गया था, और एग्स का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है, ज़रा स्पाइसी से अच्छे लगते हैं खाने में। तो आप इसी तरह से किसी भी वेजिटेबल के अंदर, किसी भी बिनो सालन के साथ आप बॉइल्ड एग्स ऐड कर सकते हैं, तो आपको प्रोटीन मिल जाएगी। उसके अलावा मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी दही फुल्की की, तो मैंने वो बनाई थी। इसके लिए मैंने योगर्ट को थोड़ा सा सॉल्ट और चाट मसाला डाल के अच्छी तरह से बीट करके इसमें मैंने डाल दिए थे 2 टेबल स्पून्स वाइट चने, मेरे पास जो है वो कैन में थे तो मैंने वो ऐड कर दिए थे, और इसके अलावा मैंने उसमें 2 हैंडफुल जो हैं वो फुल्की के डाल दिए थे। और उस पर आप कोई भी सैलड ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। मैंने अनियंस, टोमेटोज, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली थी, और फिर टॉप कर दिया था उसको इमली की चटनी के साथ, और जो
चिली गार्लिक सॉस होता है उसके साथ, तो इन दोनों चटनियों में जो है वो शुगर होती है, तो आपको कंट्रोल करके उसमें ऐड करना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालनी। और इसके अलावा जो है आप कोई भी क्रिस्प भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी क्वांटिटी में। तो ये थी मेरी दही पुलकी, और इसके अलावा एक सर्विंग थी फ्रूट की। इसमें मैंने जो है वो हाफ एप्पल ले लिया था क्योंकि मेरा एप्पल काफ़ी बड़े साइज़ का था, और इसके अलावा इसमें मैंने अनार और थोड़े से ग्रेप्स ले लिए थे। तो ये थी मेरी फ्रूट की सर्विंग, और मैंने एक रोटी भी बनाई थी दरमियाने साइज़ की। इट वाज़ नॉट अ छोटा सा पुलका, इट वाज़ दरमियाने साइज़ की रोटी, अच्छी फिलिंग होती है। तो रोटी थी सालन था, और इसके साथ फ्रूट की सर्विंग थी, दही फुलकी थी, ग्रीन टी थी। और अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे इसमें थोड़ी सी कमी फील हो रही है, तो वो कमी थी नट्स की। नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं नट्स भी ऐड करूँगी, नट्स बहुत हेल्दी होते हैं और सर्दियों में स्पेशली ज़रूर खाने चाहिए। तो ऑलमंड्स और वॉलनट्स जो हैं वो नेक्स्ट टाइम से मैं डेली ऐड करूँगी अपने इस मील के साथ। तो ये था मेरा ओमैड का आज का मेन्यू, और मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को ये बहुत ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन मेरे लिए ये क्वांटिटी परफेक्ट थी, बिकॉज़ आपने सारे दिन में एक मील लेना है तो अच्छा बड़ा मील होना चाहिए जिससे आपका पेट भी भर जाए और आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी, और अगर आप फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके लिए और आप वीडियोस तो भी बनाऊंगी। बहुत क्यूट लग रहे हो, बिल्कुल बॉय लग रहे हो आप बुबू। दैट्स एप्पल। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, आप गंदे बच्चे हो, है ना हरीम? गंदे बच्चों आप। आज तो बहुत क्यूट लग रहे हो आप, हेयर कट करवा के, बॉय कट करवा लिया हरीम ने, है ना? हरीम की अच्छी खासी पोनी बनती थी, अब तो पोनी भी नहीं बन सकती। मिनियन क्यों हेयर कट करवाया आपने? एक्चुअली हरीम के बाल जो है ना वो काफ़ी थिन है, तो फिर एक मेरी फ्रेंड है उसने कहा था कि यार आप इसकी बार बार कटिंग करवाएं तो उसके बाल जो हैं वो अच्छे थिक आएंगे। तो बस अब हरीम को मोस्टली आप इसी तरह से देखेंगे बॉय कट में। क्या खा रहे हो आप? ये कौन लड़का आ गया हमारे घर में? ये तो बॉय आ गया कोई हमारे घर में। हाँ बहुत क्यूट लग रहे हो। वाओ वाओ, दिस कैट रियली सूट्स यू हरी। Thank you, Bubu. It's so yummy. ये क्या पाउट कर रही हो आप? ओ पाउट कर रही है हरीम। और साथ साथ जो है वो फिर अनार खा रही है ना, फ्रूट्स खा रही हो। yummy fruits. Wow. Wow. Did it? These are fruits. Did it? Fruits. Did it? It's apple. So yummy, है ना? अभी मैं आपको दिखा रही हूँ अपने जॉगर्स जो मैंने वॉक के लिए लिए थे, और ये मैंने लिए थे सर्विस से, ब्रांड था इंड्योर। मुझे जो है वो दो पसंद आए थे, एक का ये मेश मटेरियल था और एक का जो है वो मुझे नहीं पता कौन सा मटेरियल था, लेकिन वो बिल्कुल प्लेन थे और उनके लेसेस जो है वो काफ़ी मतलब चौड़े चौड़े से थे। अच्छा था उनका स्टाइल भी, बट जब मैंने दोनों पहन के देखे तो मुझे ये वाले ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। बहुत लाइट वेट हैं, कंफर्टेबल हैं, इनका सोल भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा बल्की भी नहीं है।
तो ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थे। एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल इनकी प्राइस काफ़ी अच्छी है, मतलब मुझे ये मिले थे 1450 के, विच आई थिंक इज़ वेरी रीज़नेबल। और अगर ये एक सीज़न भी अच्छे से निकाल लेते हैं तो टोटली जस्टिफाइड है, क्योंकि प्राइस इनकी काफ़ी रीज़नेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने लिए जॉगर्स देख रहे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इंडियोर पर चेक करें, बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग आ गया है एंड पर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।